इस वक्त हमें पाली केले से ज्वाइन किया है भारत के 24 न्यूज के रिपोर्टर और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और बड़े इंटरव्यूज करते हैं वैभव ने। वैभव गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिर्जा भाई, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या सूरत हाल है? बारिश की पेशगोई है आज के मैच में भी और हफ्ते के मैच में भी। ठीक है मिर्जा भाई, मैं बता किसान समय हमें सुन रहे हैं कि आज इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम की कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। बेचारी पाकिस्तान टीम तो अपना नेपाल के खिलाफ मैच जीतने के बाद रात 3 बजे फ्लाइट उन्होंने ली है, सुबह कोलंबो पहुंचे हैं, फिर कोलंबो से कैंडी आए हैं, तो वो तो मेरे को लग रहा है कल जीत के बाद सो नहीं पाए हैं। अब शायद अपने कमरों में वो लोग सो रहे होंगे। और इंडियन टीम गली आ गई थी और इंडियन टीम ने भी, लेकिन आज कोई प्रैक्टिस नहीं की है। अब प्रैक्टिस ना करने की इंडियन टीम की वजह तो हमें नहीं पता कि क्या है, ग्राउंड अवेलेबल था, आप प्रैक्टिस कर सकते थे, बट आप लोगों ने चूज किया कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और अभी मैच शुरू होने वाला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। तो आप कैसे देखते हैं जो फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट है, आप समझते हैं कि बारिश जो है इस टूर्नामेंट पर असरअंदाज होगी? क्योंकि श्रीलंका में 9 मैच काफी ज्यादा मैं आपको बता दूं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम बारिश खड़ी कर सकती है। इस समय भी जो कंडीशंस हैं वो ओवरकास्ट हो चुकी हैं, तो शायद इसी तरह की कंडीशंस भी परसों रहने वाली हैं और बारिश से लगातार रूबरू होना पड़ेगा। मतलब आज के मुकाबले में भी और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसमें भी बारिश काफी ज्यादा खलल डाल सकती है। मिनिमम कितने ओवर्स का मैच हो सकता है अगर बारिश हो जाए तो? आई थिंक 20 से 25 ओवर के मैच होने सही। अगर बारिश आ गया है इशूज में तो 25 ओवर का मैच की चांस कर फ्रांस एटलीस्ट मिल जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि भारतीय टीम, चूंकि लाइन ड्रॉप हो गई वैभव से, हम इनसे बात करते हैं। केएल राहुल जो है वो 2 मैचेस नहीं खेलेंगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन जो है, तो उसको फर्क पड़ेगा भारत को? ईशान किशन खेलेंगे क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो फुल्ली फिट नहीं है। देखिए राहुल का बहुत बड़ा नाम और बहुत उनकी परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया के लिए, इसमें कोई शक नहीं, और एक टॉप क्लास बैट्समैन जो करेक्ट भी खेलता है, लेकिन जितना शाहीन आफरीदी ने उनको आउट किया था तो वो आई एम श्योर अभी तक शायद ना भूले हो। लेकिन मोस्ट डेफिनेटली ये दूसरे किशन भी जो है ये अच्छे ईशान किशन आईपीएल में, हाँ जी, काफी आर्टिकुलेट तरीके से खेलते हैं और इनकी बैटिंग काफी इंप्रेसिव होती है, पावरफुल है। और इंडिया की टीम में अगर आया है कोई तो नेचुरली वो एक कोई उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हाई क्लास हाई एक्ट होगा जिसकी वजह से उसको टीम में लिया गया। जावेद भाई वो बता रहा था वैभव के रात 3 बजे पहुंचे हैं पाकिस्तान, क्योंकि तकरीबन सारी रात जागते रहे होंगे। मैच वहां जो खत्म हुआ है 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, जब 11:30-12, और फिर उसके बाद वो लोग वहां पहुंचे, तो रेस्ट तो जरूरी था। और वहां से फिर कोलंबो से कैंडी का सफर अलग है, बाय रोड उसको आना, तो वो लाजमी बात है कि खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन हो। बिल्कुल फर्क तो पड़ता है, अब डिपेंड करता है कि ये प्लेयर के अपनी बॉडी के ऊपर अपने ऊपर भी है कि वो किस तरीके से इन्हें लेता है, क्योंकि बाद लोग हैं जिसमें फर्क नहीं पड़ता। मैं बल्कि यही कहूँगा कि प्लेयरों को जो है ना, अब सुन रहे हैं कि देखिए आप अपना जो भी प्रॉब्लम जो भी चीज़ है वो अपने आप को खुद समझ के करते रहें। अब मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी एक्सरसाइज जो है ना अपने घर में कमरे में ही करता था, होटल के रूम में भी करता था, मैंने उसके छोड़ी नहीं। बारिश बाहर हो रही है, अंदर जो चीज मेरे जो काम करने की जो चीज होती थी ना वो मैं हमेशा है ना अपने आप को